तो छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की जो है सबसे अच्छी अपडेट्स निकल के आ रहा है। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। आपको बता दूं कि 27 अगस्त को जो है एग्ज़ाम्स हुआ था महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा। दोनों ही भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर आ चुका है। 11 सितंबर को जो है छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा का जो है मॉडल आंसर आया, और उसके बाद जो है 12 सितंबर को जो है महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर आया। कुछ ही दिनों के बाद जो है आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी आपको जो है देखने को मिलेगा। तो आखिरकार जो है छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट जो है कितना होने वाला है, कितने मार्क्स वाले कितने नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, और जो नंबर बता रहा हूँ जो मार्क्स बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही आपका जो है कट ऑफ होने वाला है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती परीक्षा के, तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं और यदि आपका 68 से 70 नंबर आ रहा है, जी हाँ, अगर आपने OMR शीट से मॉडल आंसर से आपने मिला के देख लिया है और 68 से 70 नंबर आ रहा है मतलब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 62 से 65 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, और वहीं यदि आप SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 57 से 60 नंबर में सिलेक्शन होगा, और यदि आप ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो 50 से 55 नंबर वाले स्टूडेंट के इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं PWD दिव्यांग की बात करें तो इसमें जो है 40 से 45 नंबर वाले स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हो पाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हम बात करें महिला पर्यवेक्षक परिसीमित सीधी भर्ती का, तो इसमें जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 57 से 60 नंबर में सिलेक्शन होगा, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 52 से 55 नंबर में, SC कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो 45 से 50 में, वहीं यदि आप ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 40 से 42 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं PWD दिव्यांग की बात करें तो इसमें 35 से 38 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है हो पाएगा, जो कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वैकेंसीज हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, अगर आप अच्छे से जो है मेहनत करते हो, अच्छे से अगर आप इन सभी वैकेंसीज़ के प्रिपरेशंस करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो डेफिनेटली कि इसमें आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। आपको हार्डवर्क करना ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग हार्डवर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको रिज़ल्ट जो है मिल पाएगा। और 27 अगस्त को एग्ज़ाम्स हुआ महिला पर्यवेक्षक के। अगर हम पोस्ट की बात करें आपके ऑल ओवर पोस्ट के, तो इसमें ऑल ओवर पोस्ट हैं आपके जो है 440 पोस्ट है। जी हैं, 440 पोस्ट हैं छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023। और इसके लिए अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें, इसके लिए अगर हम कॉम्पिटिशन्स की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक की 440 पोस्ट है। इसके लिए जो है कैंडिडेट्स हैं कॉम्पिटिशन्स में हैं 3,35,000। जी हाँ, 3,35,000 स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिशन्स में हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, और अगर आपका जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ अगर उतने नंबर आ रहे हैं, उतने उस नंबर के हिसाब से उतने रैंक अगर आपका बन रहा है, मतलब आपका महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो गया है। आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि हमारा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस और सफलता जो है आपको मिल पाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट इतना ही आपका जो है होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, कमेंट करके बताना कि आपके जो है कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी लड़कियां हैं, छत्तीसगढ़ के जितने भी महिलाएं हैं जिन्होंने जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तैयारी किया, देखो बताना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ने जो दावापत्ति किया था, दावापत्ति का रिज़ल्ट अभी जारी होगा। और इसी के साथ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट्स हैं। तो आपको यही मैं बताना चाहता हूं कि अगर इस कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम में अगर आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता तो आप आने वाले और भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम्स की बाकी नए नए भर्ती परीक्षा के, नए नए गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है प्रिपरेशन आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। बस तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि तैयारी करना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
क्योंकि जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सफलता देन, उतने ही ज़्यादा कामयाबी आपको फिर मिल पाएगा। इसलिए कोशिश करते रहना ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा एक अच्छा खासा, एक बेहतर रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल पाएगा, और डेफिनेटली आप जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाओगे। तो मेहनत ही अच्छे से रखो, मेहनत ही अच्छे से करो, हार्डवर्क ही आपको अच्छे से करना है। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशन करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सफलता देन, उतने ही ज़्यादा कामयाबी आपको फिर मिल पाएगा। और सिर्फ कामयाबी के सपने आपको नहीं देखना है, उन सपनों को पूरा करने के लिए भी आपको जो है मेहनत करना है। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा आपको सक्सेस और उतना ही एक अच्छा खासा बेस्ट रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिज़ल्ट आपको जो है मिल पाएगा, और डेफिनेटली आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई जो है कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपके मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये सभी चीज़ें आपके जो है हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करते हो, तो यकीनन आपके सभी ख्वाब, यकीनन आपके सभी ड्रीम्स, आपके सभी सपने जो है पूरे हो पाएंगे। और मेहनत ही नहीं करोगे और सिर्फ रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे, सिर्फ कामयाबी के बारे में सोचोगे, तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। देखिए, कामयाबी के बारे में सोचने से, रिज़ल्ट के बारे में सोचने से आपका रिज़ल्ट जो है नहीं होने वाला। तो ये महिला पर्यवेक्षक 440 पोस्ट यकीनन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी लड़कियों ने जो है एग्ज़ाम्स दिए हैं, 440 पोस्ट है, 3,35,000 जो है कॉम्पिटिशन्स, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंट में ही लेबर इंस्पेक्टर के 34 पोस्ट के लिए भी 2.5 लाख जो है कैंडिडेट्स हैं। तो कॉम्पिटिशन्स का जो लेवल है वो दिनों दिन जो है बढ़ता जाता है, कॉम्पिटिशन्स कम नहीं होता। आपको बाकी स्टूडेंट से कुछ अलग करना है, तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, वरना भीड़ में तो हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं। तो इतना ही कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका इतने मार्क्स आया है, आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई होप वीडियोस पसंद आए हो आपको। वीडियोस अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके जो है शेयर करना। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। बस जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट दिखाना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करना, और इसी तरह से नए नए वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। धन्यवाद।